चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह जुड़ गए। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। एक सवाल, क्या मार्केट को ये जो हिंडनबर्ग वाला मामला है और जो सीधा सेबी चीफ पर सवाल उठाए, क्या इसका ओवरहैंग लग रहा है कि अभी भी बना हुआ है? क्योंकि हमारी मार्केट अब जो एक ग्लोबल मार्केट को इतनी शानदार तरीके से आउट परफॉर्म करती थी, अब अंडर परफॉर्म करने लग गई है थोड़ी सी पिछले 7-8 दिन से। अनुज भाई, हमने इतना अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 25 सालों में, हमारी वैल्यूएशन और लोगों से कहीं ऊपर है, तो जाहिर है कि कुछ समय के लिए कुछ लोग हमसे आगे बढ़ पाएंगे। बट हमें नहीं लगता है कि ये जो मार्केट का अंडर परफॉर्मेंस है दूसरी मार्केट के सामने, यह कोई बड़ी बात है। जब आप इतना बढ़े हैं तो थोड़ी रुकावट, थोड़ी गिरावट काफी नॉर्मल है। कल ही अनुज भाई मैंने ट्वीट किया था कि हमारी लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के ऊपर है, वो बड़ी बड़ी दिग्गज मार्केट यूके फ्रांस उनसे ज्यादा है। स्मॉल एंड मिड कैप का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन के आसपास है, वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के मार्केट कैप से ज्यादा है। तो हमारी मार्केट बहुत भाग चुकी थी, इसलिए शायद दूसरी मार्केट हमसे कैचअप कर सकती है। मैं आने वाला था उस ट्वीट के ऊपर, बहुत शानदार ट्वीट थी वो। और नीलेश भाई की वो ट्वीट जो थी उसमें उन्होंने कैगर रिटर्न्स भी बताए हैं और कितना मार्केट कैप हो गया वो भी है। करंट मार्केट कैप $1 ट्रिलियन में और स्मॉल स्मॉल कैप का $1 ट्रिलियन मार्केट कैप हो गया हमारा अभी। हाँ अनुज भाई, मतलब अब लार्ज कैप भी ट्रिलियन, मिड कैप भी ट्रिलियन, स्मॉल कैप भी ट्रिलियन। हाँ मतलब इंटरेस्टिंग है कि स्मॉल कैप का मिड कैप से भी ज़्यादा मार्केट कैप हो गया है। क्या थोड़ा डरने की ज़रूरत है फिर यहाँ पर? सो अनुज भाई, हम तो काफी समय से कह रहे हैं कि ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मोमेंटम पे कम। जहाँ पे फ्लोटिंग स्टॉक ज्यादा है, मार्केट प्राइस डिस्कवर हो रहा है अप्रोप्रिएटली, वहां पे निवेश करिए। लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर से थोड़े दूर रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए, और ऐसी मार्केट में, ऐसे स्टॉक में निवेश करिए जहां पे वैल्यूएशन आपकी फेवर में है। कहीं स्मॉल कैप और कुछ मिड कैप में वैल्यूएशन अब उस लेवल पे पहुंचे है कि कंपनीज कंपनी नहीं, सुपरमैन आयरन मैन जैसी बन जाएगी। उस प्रकार का उन्हें परफॉर्मेंस डिलीवर करना पड़ेगा इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए। सुपरमैन आयरन मैन ये सब कॉमिक्स की किताब में मिलते हैं, रियल लाइफ में कहां मिलेंगे। अच्छा नीलेश भाई नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये नए टैक्स रूल्स के बीच में एक बात आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या लोगों का HNIs का रुझान फिर म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ रहा है वर्सेस PMS? हमारे पास बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो भी आई थिंक PMS पर फोकस कर रहे होंगे, म्यूचुअल फंड्स पर फोकस कर रहे होंगे, लेकिन क्या टैक्स बेनिफिट्स अब सिंपली म्यूचुअल फंड्स में अच्छे हैं? क्योंकि वहाँ चर्निंग बहुत करता है आपका PMS मैनेजर जो है स्टॉक्स में। सो अगेन वीरू भाई, ये निवेशक के ऊपर डिपेंडेंट है, उसे म्यूचुअल फंड चाहिए, PMS चाहिए, AIF चाहिए। टैक्स बेनिफिट मतलब कोई उतना बड़ा नहीं है, वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है, हमारे वहां पे भी वही है। शॉर्ट टर्म में 20% है, यहाँ पे भी वही है। हाँ, PMS में जब भी आप प्रॉफिट बुक करें तो आपको टैक्स भरना पड़ता है, म्यूचुअल फंड में जब आप रिडीम करें तब टैक्स भरना पड़ता है। तो थोड़ा टैक्स एडवांटेज म्यूचुअल फंड की तरफ जरूर है, बट मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया व्हीकल है। और HNI के लिए PMS और म्यूचुअल फंड दोनों पोर्टफोलियो में बरकरार रह सकते हैं। नीलेश जी, स्पेशली ये जो अर्निंग सीजन गया, बहुत विश्लेषक और आई थिंक एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस बार की अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं रही, इस अर्निंग सीजन को आप कैसे रीड कर रहे हैं? स्पेशली वो एक इंडेक्स जो निफ्टी के बगल में खड़ा होकर, निफ्टी बैंक हमेशा हमारी तेजी को स्पॉन्सर कर रहा है, इस बार बैंक्स के NIMs हल्के से प्रेशर में
और एक चुनौती जो आप लोगों ने बैंकों के लिए खड़ी कर दी है कि सेविंग अकाउंट से पैसा निकल के सीधे सीधे म्यूचुअल फंड्स पे आ रहा है, वो बैंकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज पोस्ट कर रहे हैं। लो कॉस्ट डिपॉजिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो बैंक्स को इन नंबर्स के बाद आप कैसे रीड कर रहे हैं? तो वीरेंद्र, पहले तो ये एक जो है कि म्यूचुअल फंड बैंक डिपॉजिट्स को लेके जा रहे हैं वो एकदम ही गलत है। आरबीआई का खुद का डेटा देख लीजिए, एफआई 21 से एफआई 23 के बीच में इंडियन हाउसहोल्ड के जो सेविंग्स था उसका अलोकेशन 4 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड में था, 2 लाख करोड़ डायरेक्ट इक्विटी बॉन्ड्स डिबेंचर्स और कंपनी फिक्स डिपॉजिट में था, 9 लाख करोड़ रुपया करेंसी नोट में था। वीरू भाई, भारत में करेंसी नोट बांटते कौन है? यही बैंक बांटते हैं। क्या वो अपने कस्टमर के पीछे जा सकते हैं और समझा सकते हैं कि ये 9 लाख करोड़ रुपए आप करेंसी नोट में क्यों रखे हैं? बैंकों के बहुत सारे कस्टमर बिलीव करते हैं कि घर में करेंसी नोट रखे तो दुगने हो जाते हैं। आज तक किसी ने देखा नहीं है, ये बात समझानी कितनी मुश्किल होगी। तो मेरे हिसाब से जो सेविंग्स का एलोकेशन करेंसी नोट की तरफ गया है उसे अगर हम रोक दे तो डिपॉजिट ग्रोथ काफी तेज हो जाएगा। दूसरी चीज वीरू भाई, जो हुआ है कि सरकार पहले अपना सरप्लस मनी बैंक अकाउंट में रखती थी, अब वो बैंकों से हर दिन शाम को ट्रांसफर करके आरबीआई अकाउंट में रखती है। ऑन एन एवरेज भारतीय सरकार का कैश बैलेंस 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास प्रतिदिन रहा होगा। अब जब आपने इतना पैसा सिस्टम से निकाल दिया तो ऑब्वियसली उसके डिपॉजिट ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगी। अगर हम 3 का मनी मल्टीप्लायर पकड़ ले तो यह तकरीबन 2 लाख करोड़ × 3 6 लाख करोड़ और 3 लाख करोड़ × 3 9 लाख करोड़ के आसपास की इंपैक्ट है। सालाना डिपॉजिट ग्रोथ 18 लाख करोड़ के आसपास होती है। तो बैंकों को सरकार के पास जाना चाहिए और समझाना चाहिए कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते जिसमें आपका पैसा आरबीआई की जगह हमारे पास रहे। मैंने तो प्री बजट कंसल्टेशन में फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की थी, सरकार हमारे लिक्विड फंड में पैसा लगाए, ब्याज भी मिलेगा, 2-3 लाख करोड़ के ऊपर अगर 5% रिटर्न भी पकड़ ले तो सालाना 10 से 15 हजार करोड़ की इनकम हो जाएगी। तो ये जो सरकारी कैश बैलेंस बढ़ रहा है सिस्टम के बाहर, उसकी भी डिपॉजिट ग्रोथ पे इम्पैक्ट आ रही है। और तीसरी चीज वीरू भाई, सोने की है। हम इतनी मात्रा में सोना इम्पोर्ट करते हैं और फिर वो तिजोरी में चला जाता है। सोने के लिए जो डॉलर देते हैं उसके रुपये तो हम यहीं से पेमेंट करते हैं। तो सरकारी कैश बैलेंस, सोने की आयात और करेंसी नोट, इसके पीछे बैंक डिपॉजिट्स की ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। अगर हम वहां पे फोकस कर सके तो मेरे हिसाब से डिपॉजिट ग्रोथ वापस काफी तेजी से बढ़ सकती है। तो नीलेश भाई, इस क्योंकि आपने बात की, थोड़ा आप क्या निराश हुए जो सोने पर ड्यूटी कम कर दी और सोने को उल्टा और सस्ता बना दिया, और सोना इम्पोर्ट होगा इससे? तो अनुज भाई, अगर नहीं सोने की ड्यूटी कम करते तो गोल्ड स्मगलिंग को बढ़ावा मिलता, और सोने के ऊपर ड्यूटी कम कर दी तो जैसा आपने कहा लोग खरीदारी चालू कर देंगे। तो हमारी चॉइस तो डेविल एंड डीप सी के बिटवीन है, और इसके लिए अनुज भाई आप जैसे लोगों की बहुत सहायता चाहिए। आप लोगों को समझाइए कि सोने में निवेश जितना करते हैं उससे कहीं ज्यादा निवेश सोने जैसे एंटरप्रेन्योर में कर सकते हैं। आज अगर देखे तो कहीं डायरेक्ट स्टॉक्स में, कहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में काफी बढ़िया रिटर्न मिला है सोने के मुकाबले। एंड एक और चीज अनुज भाई, हमने हमेशा बाजार में देखा है कि जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो भाव आसमान को छू सकते हैं, बट जब उसी चीज में सप्लाई आती है तो भाव जमीन पे आ जाते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े ओनर है सोने के, 25-30 कितने हजार टन सोना पड़ा है भारत में किसी को नहीं पता। हम अगर बेचने निकलेंगे तो हमसे खरीदेगा कौन? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लेने से ही भाव बढ़ते रहे, रिटर्न दिखता रहे और जिस दिन एनकैश करने निकले हाथ में वो रिटर्न नहीं आए। देखिए, ये बात तो मैं आपकी मान गया कि इक्विटीज ने ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, तो वो चीज़ तो क्लियर है। अच्छा नीलेश भाई, आप एक सेक्टर जो वापस एक कमबैक कर रहा है वो है आईटी। हालांकि वो जो इन्फोसिस के ऊपर नोटिस आया था उसने शायद थोड़ा मूड माहौल बिगाड़ा था, लेकिन अब इस सेक्टर में क्या मौके हैं, क्या वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं अभी भी?
अनुज भाई, आईटी क्षेत्र हमें अच्छा लगता है बट बॉटम अप बेसिस पे। आज आईटी में अगर आप एक एआई इनेबल्ड, एआई सपोर्टेड बंदे को रिक्रूट करो तो वो तकरीबन पुराने आईटी के 10 बंदों जितना काम कर पा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से प्रोडक्टिविटी में बहुत इजाफा हो रहा है, बहुत बढ़ावा मिल रहा है। अब कौन सी आईटी कंपनी अपने वर्कफोर्स को एआई इनेबल्ड करके, एआई सपोर्ट करके मोर प्रोडक्टिव, मोर फास्ट बना पाएंगे? वो अपने क्लाइंट को सस्ते सॉल्यूशन दे पाएंगे? तो ऐसी आईटी कंपनी में निवेश करिए जो फ्यूचर रेडी है, रादर देन जो डायनासोर की तरह अभी भी पास्ट लॉरल्स पे बैठी है। ओके नीलेश भाई, एज ऑलवेज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच आज हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस, जो कि सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, उसकी शुरुआत हो रही है, तो उस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।